हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय पीके टेक चैनल। आज की हम वीडियो बताएंगे एक ऐसे कोड एडिटर के बारे में जिससे आप C++ इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। आ जाने के बाद आपको सर्च बार पर टाइप करना है div C++ डाउनलोड। टाइप करने के बाद आपको इंटरप्रेस करना है। करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, इसमें आपको फर्स्ट वाले साइट पर जाना है, सोर्स फोर्ज वाले वेबसाइट पर जाना है। फिर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ शो कर रहा है डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए मेरा प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए यहाँ से आप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। फाइल कहाँ आपको रखना है, कहाँ डाउनलोड करना है, यहाँ से आप पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए मेरा डाउनलोड होने लगा है। कुछ देर इंतजार कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 48 MB का है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है। सो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए शो कर रहा है div C++, इस पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यस पर क्लिक करना है। फिर कुछ देर इंतजार कर लीजिए। तो ओपन वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आई एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ये देखिए मेरा इंस्टॉल हो चुका है। फिर फिनिश वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए ओपन मेरा हो गया। फिर फाइल पे जाना है, फिर न्यू पे जाना है, फिर सोर्स फाइल पे जाना है। यहाँ से आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ हम प्रोग्राम लिख चुके हैं। फिर एग्जीक्यूट पे जाना है, फिर कंपाइल एंड रन पे जाना है। यहाँ से आप इसका फाइल का नाम दे सकते हैं, हेलो
वर्ल्ड। नाम टाइप करके आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। ये देखो मेरा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। इसी तरह से आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं। ये सब कट कर देते हैं।